नमस्कार और अभिनंदन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के भी मस्ती ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको ले आया हूँ अभी पांच प्रयागों में से एक प्रयाग कर्ण प्रयाग पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको नंद प्रयाग के बारे में बताया था। यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये स्वच्छ जलधारा बह रही है, ये है अलकनंदा। अलकनंदा बेसिकली निकलती है उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित बद्रीनाथ से निकलती है, स्वच्छ जलधारा बह रही है। और मेरे दूसरी ओर जो ये खारा पानी दिख रहा है आपको, यह है पिंडर नदी। पिंडर नदी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। पिंडर नदी बेसिकली बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये नारायणगढ़ से बहती हुई आती है कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये पिंडर नदी आ रही है और आके मिल जाती है अलकनंदा नदी से, और अलकनंदा का ये स्वच्छ जल हिंदुओं के पवित्र धाम बद्रीनाथ से बहता हुआ आता है। ये देखिए बहुत ही चौड़ा बहाव लेते हुए, इन लोगों द्वारा कुछ पत्थरों से कुछ नमूने बनाए गए। पहले यहाँ पे एक चबूतरा, टाइल से बना हुआ चबूतरा हुआ करता था, जहाँ पे शायद ये बरसात के कारण मलबा आ गया और वो इस मलबे में ढक गया है। और ये है कर्णशिला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग क्यों पड़ा। तो ये इसके पीछे अनेक कहानियाँ हैं, अनेक किंवदंतियाँ हैं, उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ। महाभारत का एक प्रमुख पात्र हुआ था कर्ण। कहा जाता है कि कर्ण ने कर्णप्रयाग में आकर तपस्या की थी सूर्यदेव की, उनके नाम के कारण कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। कर्ण का इतिहास तो आपको सभी को पता होगा, ये वरदानी पुत्र थे कुंती माँ के, सूर्यदेव ने वरदान दिया था, लेकिन क्योंकि ये कुंती माता का शादी से पहले के पुत्र थे कर्ण, इसलिए उन्होंने कर्ण को बहा दिया था। फिर उनका लालन पालन किसी कहीं और हुआ था और कर्ण फिर दुर्योधन का मित्र बन गया। तो दोस्तों मैं अभी आपको ले आया हूँ माँ उमा के मंदिर में। उमा मंदिर का यहाँ पे एक इतिहास है कि प्राचीन टाइम में जब एक बार पार्वती माँ के पिता राजा दक्ष अपने यहाँ पे एक बार यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने पार्वती माँ को कोई न्योता नहीं भेजा, तो पार्वती माँ वहाँ बिना बताए चली गई तो और क्रोधित हो गई। तो उन्होंने क्रोधावस्था में ही दुखी होकर अग्नि कुंड में जो अग्नि जली थी वहाँ पे अपना शरीर समाप्त कर दिया और उनका दूसरा जन्म हुआ माँ उमा के रूप में, और उनके पिता इस जन्म में थे हिमालय। तो माँ उमा ने भगवान शिव को पाने के लिए इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे माँ उमा का मंदिर है। और माँ उमा ने यहाँ पे दो लिंगों की स्थापना की थी, एक तो भोले शंकर का लिंग जो कि इस स्थान पर किया गया था, और एक कर्ण लिंग था। और माँ उमा द्वारा कर्ण लिंग की स्थापना इस स्थान पर की गई थी जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यही वो स्थान था। आप देख सकते हो मेरे पीछे माँ उमा का बहुत भव्य मंदिर है, मैं अंदर आपको ले जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंदर अनुमति है नहीं। यहाँ पे मुख्य द्वार है माँ उमा का और अंदर गर्भगृह है, गर्भगृह में फ़ोटो लेने की अनुमति है नहीं। यहाँ पे दर्शनीय स्थल है माँ उमा का मंदिर। यहाँ अंदर गर्भगृह है जहाँ फ़ोटो लेने की परमिशन है नहीं। और ये है मंदिर का प्रांगण, एक बड़ा सा पेड़। ये उमा मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक
सौंदर्य भरपूर फैला हुआ है जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। श्रद्धालुगण काफी मंदिर में आ रहे हैं, अगर मैं घूम करके दिखाऊं तो ये अंदर मंदिर का गर्भगृह है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कर्णशिला कर्ण मंदिर की ओर। ये यहाँ पे संगम, तो यहाँ पे राम मंदिर, श्री राम लक्ष्मण और सीता, और यहाँ है श्री कृष्ण कर्ण मंदिर, श्री कृष्ण कर्ण मंदिर। ये कर्ण है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी है। दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ पर आज कर्ण के लिए समर्पित मंदिर बना है, ये आप देख रहे हैं, ये स्थान पहले पूरा पानी में डूबा हुआ था और यहाँ पे केवल कर्णशिला नामक पत्थर की नोक ऊपर थी, पानी के ऊपर थी। ये है वो कर्णशिला नामक पत्थर, शिला माने पत्थर। ये तो यहाँ पे ये पूरा स्थान पानी में डूबा हुआ था और केवल एक कर्णशिला नामक पत्थर की नोक पानी के ऊपर थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो शिला थी, शिला की जो नोक ऊपर पानी के ऊपर थी, उस पर अपनी हथेली का संतुलन बनाकर भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था। अनेक किंवदंतियाँ हैं यहाँ के बारे में। कर्ण ने यहाँ पे भगवान शिव और माता उमा की उपासना की, तपस्या की थी, जिन्होंने प्रसन्न होकर कर्ण को यहाँ पर दर्शन दिए थे। और कर्ण ने यहाँ पर अपने पिता यानी कि सूर्य देवता की आराधना की, घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अभेद्य कुंडल कवच प्रदान किए थे। तो कर्ण के नाम पर ये नगरी प्रसिद्ध है। कर्ण एक महाबलशाली योद्धा था और भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा करने के लिए उसका दाह संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं एनकरेज हूँ, प्रोत्साहित हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आगे काम करता रहूँ।